नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि विपक्ष के नेताओं के बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि हम भी उस नीति आयोग की बैठक में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को संक्षिप्त में बात रखने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का और कोई काम नहीं है, वह सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। देखिए, उस बैठक में नीति आयोग की, उस बैठक में मैं भी मौजूद था, और ये सरासर गलत इल्जाम है कि किसी का माइक वहां पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दें, उस माइक का कंट्रोल वहां पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको जरूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को, दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है इस तरीके से। बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराजगी भी है, तो वहीं पे रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे, वित्त मंत्री जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं। बट जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी, और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहाँ पर बैठे थे, उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तुविहार।